गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन डायरीज। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त, बढ़िया। और आज तो साथ में व्लॉगिंग स्टार्ट हो रहा है हमारा। जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक। बस मस्त, एकदम टाइम पे आ गए घर पे और आज हम फ्रेश मूड के साथ टाइम पर आ चुके हैं। तो मस्त चाय नाश्ता करेंगे आज, विदाउट शुगर। और बस हमारी सिटी भी हो चुकी है, बुधवार का दिन, तो मग उसको रख दिया है, सीटी हो चुकी है कुकर की। तो बस फ्रेंड्स, आज का दिन भी काफी अच्छा रहा हमारा, बहुत अच्छा, अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है। और हाँ, ये जो सर्च करवा पड़े तो बस आ गए। और चलिए आपको मेरा मनी प्लांट दिखा देती हूँ, मस्त थोड़ा सा खिला हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाह, छोटे वाला भी निकल आया है। से आएंगे तो बस। और आज है ना, मैंने कुछ सोचा हुआ है, वो जो भाजी है ना फ्रेंड्स, वो और धनिया। तो आप भी जब भी ऐसा कुछ करना चाहते हो तो मेक श्योर कि उसकी जो भी चीज में आप रखो उसको तो थोड़ा डीप होना चाहिए, उसकी थोड़ा सा गहराई वाला पॉट या जो भी लो आप, पर इतना तो होना ही चाहिए उसका गहराई, उसकी डीपनेस इतनी होनी ही चाहिए। हमने तो इतने में कर दिया था ना, तो पान कहाँ जाएंगे, उसके मूड कहाँ जाएंगे, किसको पता, तो सो गए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी ऐसा कुछ करो, इसलिए अभी बुद्धि आई है, कहते हैं ना, सीखने से ही इंसान करने से ही इंसान सीखता है। तो बस जो किया तो अभी सीखा है, तो वो मिट्टी को दूसरे में डाल के फिर हम अच्छे से अभी धनिया और वो करेंगे। देखती हूँ आज मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं कर दूंगी, क्योंकि जुलाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पहला वीक ऑलमोस्ट खत्म होने आया है और अगस्त में तो हमारे फेस्टिवल शुरू। वाओ, मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और बस अभी थोड़ा सा एटमोसफियर अच्छा है, रोज थोड़ा सा, इतनी गर्मी नहीं है, काफी अच्छा लग रहा है। और आज हम जब जॉब से आए, अभी पार्किंग लॉट पूरा खाली है फ्रेंड्स, इतना पार्किंग लॉट इतने बजे हमने खाली देखा ही नहीं है। आज पूरा खाली है, सब लोग निकल गए, तो लग रहा है सब निकल ही गए हैं बाहर घूमने के लिए आज से ही, क्योंकि अब ये लॉन्ग वीकेंड जैसा है, समझ लीजिए ना, फ्राइडे की छुट्टी ले लो तो लॉन्ग वीकेंड हो ही गया ये तो। तो मजे है सबके, और क्या है ना, हमारे नहीं है, जॉब पर जाना है ना। तो बस चलिए चाय नाश्ता करते हैं और बाद में देखते हैं क्या करें, थोड़ी सी दुनियादारी की खबर देख लेते हैं क्या चल रहा है दुनिया में। और हमने जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जो जीत गई थी ना, तो वो कैच जो मैंने देखा, वो सूर्य कुमार यादव, बहुत माइंड ब्लोइंग कैच, मजा आ गया, लाइफ में ऐसा कैच नहीं देखा मैंने कभी। ओ, ऐसा? हाँ, इधर गया उधर गया राइट, वाह मजा आ रहा है ऐसा कुछ, इसको बेस्ट मोमेंट बोलते हैं, मोमेंट ऑफ द मैच, यस, जो लाइफ टाइम ऐसे बुक में लिखा जाता है कि इस इंसान ने ऐसे किया था, राइट, ऑफ कोर्स। तो बस आप भी ऐसा कुछ किया कीजिए, और हम भी, आप भी क्यों, हम भी करेंगे कुछ ना कुछ, कुछ ऐसा कीजिए जो ऐसा होता है। चलिए थोड़ी सी खबर देख लेते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं 6:30 और हम लोग बाहर बैठने के लिए आ गए हैं। देखो आज बालकनी में बैठे मजे कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि इनको यहाँ बैठने का क्या मज़ा आ रहा है, पर फ्रेंड्स हम बैठे नहीं हैं, कुछ काम करने के लिए बैठे हैं। तो चलो हम भी कुछ अच्छा सा कुछ काम करने बैठे हैं, तो वो शुरू करते हैं। आप भी देख लीजिए हम क्या करने बैठे हैं। फ्रेंड्स फाइनली अभी हमारी भाजी कट हो रही है। हाँ, गणपति बप्पा मोरया, ये देख लीजिए, एक बाजी तो हमने थोड़ी काट ली है, मोटी खाई, राइट, या अभी ये फ्रेंड्स इतनी बड़ी हो गई है ना, तो दूसरों को बाद साइड पे शायद आने ही नहीं देती, इसलिए इसको अब हम यहाँ से कट करते हैं। पता नहीं इसमें से वापस होती है कि नहीं, पर इतना रखते हैं, राइट, इतनी हम रख देते हैं, इतने मूल रख देते हैं ताकि वहाँ से वो वापस, Yes. अभी ये है, इसमें अभी क्या है, वो पानी भी अच्छे से हम दे सकते हैं, है ना, ये भी थोड़ी थोड़ी निकाल कहीं ना, तो अभी नहीं से पति, ओके, थोड़ी खाई अजी, तो ये तो यो
फ्रेंड्स यहाँ पे अभी थोड़ी जगह है तो यहाँ पे थोड़ी नया वो देंगे वो बी डाल देंगे। और मैं ये फोक्स ऐसा क्यों कर रहे हो बताए तो हम वो हाँ खेतर में कैसे वो क्या करते हैं वो भूल गई मैं खेतर से वो खेड़ते हैं ना राइट थोड़ा खेड़ हाँ तो मैं इससे फोक्स अभी खेड़ रही हूँ ये हमारे छोटे से ऑक्सीजन मिले हाँ खेतर में जमीन को है ना ऊपर नीचे करना चाहिए ऐसा बोलते हैं तो वो ऑक्सीजन अच्छा रहता है जमीन में इसलिए थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। देखिए अच्छे से हो गया ना अभी ज्यादा नहीं करना अदरवाइज के मूड के साथ निकल आएंगे सब हाँ इसलिए हाँ थोड़ा थोड़ा ही करना है। और अभी क्या है देखिए इस तरफ थोड़ा सी स्पेस है मेरी राइट यहाँ पर हाँ ये लकड़ी है उसको निकाल देंगे हम और यहाँ पे थोड़ी स्पेस है ना तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़े से डाल हाँ डाल देते हैं जो भी दो तीन होगा वो काम आ जाएगा हमें भी आते हैं फ्रेंड्स राता छोड़ की बाजी आती है ना उसके भी इस तरीके से आते हैं थोड़ा सा डाल देते हैं यहाँ पर ऐसे थोड़ा पानी भी डाल देते हैं हाँ अब ऐसे एक जगह पे बहुत डालोगे तो लास्ट टाइम पता है ना कैसा हुआ था तो वो जंगल ही हो जाएगा चलो कोई बात नहीं देखते हैं ऐसा होता है। ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारे कलकोटे पूरे सूख गए थे ना ये पॉट में ये रहा सारा इसमें भर दिया है हमने पूरा सूख गया ये उसी की वजह से है हीट की वजह से ये देखिए इधर भी साइड पे थोड़ा हुआ था ऐसा पर दूसरा बच गया है तो अच्छा है अभी है ना और उस पे कड़ी आएगी देखो मतलब ये बच गया है पर ये नहीं बच पाया बिल्कुल शायद ज़्यादा ही लग गया। मैं बता रही थी ना कि उसके लिए थोड़ा सा डीप मतलब थोड़ी वो होना ज़रूरी है देखिए हमने इतना ही वो लिया था छोटा सा इसकी वजह से ये धनिया ऐसे हो गए हमारे सारे मर गए थे धनिया तो धनिया छोड़ो मेथी भी सो गई इधर मेथी को भी ये वो नहीं आया इतनी छोटी जगह तो इसीलिए अभी से ये इतना इतने होता है ना उसको कैंसिल कर दिया है हमने थोड़ा सा स्पेस मतलब चाहिए उसको अंदर से उतना डीप होना तो ही वो उसके मूड के साथ अच्छे से हो सकता है। देखिए ना हमने ये यूज़ किया था ना तो ये अच्छा रहा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है उसको स्पेस रहती है अंदर से होकर क्योंकि वो जितना नीचे बड़ा होता है ना जितना ऊपर हमें दिखता है ना उसके मूड भी किसी किसी चीज़ के उतने अंदर जाते हैं ना तो उसके लिए उसको स्पेस तो चाहिए हम उसको रोक देंगे मूड को तो फिर तो वो मर ही जाएंगे थोड़े जिएंगे तो ये हमारी बेवकूफ़ी थी सोचा ही नहीं पर चलिए सीख लिया और क्या राइट अभी इसीलिए ये पॉट है तो इसके अंदर हम रख रहे हैं ये था पॉट तो अभी हम उसमें डाल रहे थे चलिए धनिया डालते हैं और मैं सोचा डाटा छुटकी भाजी थोड़ी ज़्यादा डाल दूँ अभी क्योंकि ये है वो है पर अभी थोड़ी सी चाहिए क्योंकि हम जब सब्ज़ी बनाते हैं ना तब थोड़ी सी होनी चाहिए फिर ऐसा लगता है कि सिर्फ टेस्ट के लिए है तो डाल देते हैं अभी। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे लाइन कर दी है हमने ये दो लाइन तो हो चुकी है अभी ये थोड़ा कुछ कार्यक्रम बीच बीच में होता रहता है तो ऐसे लाइन कर दोगे ना तो वो एक साथ एक लाइन में उगेंगे तो वो क्या कट करने में थोड़ा इजी रहेगा इजी रहता है फिर और उनको भी अच्छा लगता है ग्रो होने में हाँ वो एक दूसरे से वो ऐसा गुज जैसा नहीं होता ना अच्छे से स्पेस रह के होता है इसलिए और ये ज्यादा डीप मत करना वरना वो नहीं ज्यादा डीप नहीं थोड़ा ही है तो अभी जो हम भी हमारे पास आया था इंडिया से राता छोड़ की बाजी ये इंडिया के भी है हमारे धरती के यस तो ये अभी ऐसे लाइन में थोड़ा थोड़ा ही डालो ऐसा है फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे थोड़े थोड़े ही डालो आप बहुत सारे डाल रहे हो एक में से अभी कितने होंगे वो पता नहीं और फिर फ्रेंड्स देखो अभी ये इतने सारे तो डाल दिए हैं अभी इसमें से कितनी ग्रो होगी वो पता नहीं पर आई होप सब एक साथ उग जाएगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी नहीं वो नहीं हो जाएगा वो ना हो ओके अब बारी है फ्रेंड्स धनिया निकाल रहे हैं ये देखो कितने अच्छे से बिना खाए ये देखिए कितने अच्छे से मूड और ये देखिए ये धनिया है ना इसमें से ऐसे निकलता ये रखा है ना ऐसे अभी मैं निकल अच्छा रही हूँ ना तो ये देखिए धनिया ये सारा कितना दुख हो रहा है हमें सोचिए हाँ तो सोचो कि हमारा सिर्फ ये
ऐसा करने से हमें दुख होता है, तो सोचो कि जो खेतीबाड़ी रियल में करते हैं राइट, और उनको जो दुख होता है जो बारिश ऐसे होती है या फिर कुछ सीजन की वजह से वो जो पाक बिगड़ जाता है उनका, वो फार्मर को कितना दुख होता होगा, कितना कितना हाँ कितना सब पैसा डालने के बाद जब नहीं आती चीजें राइट, जो कोई भी खेती करते हो मतलब कुछ भी हो राइट, कुछ भी दुख होता है यस, जो सिर्फ खेती पर ही निर्भर है वही उनका रोटी रोजी जो होता है सब, उन लोगों को कैसा होता होगा। तो फिर वही तो बात है। तो फ्रेंड्स अभी इसमें हम धनिया डालेंगे, तो उसको हमने सोचा है कि राउंड में ही लगाएंगे, तो पूरा राउंड सर्कल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये राउंड पॉट है तो राउंड में करेंगे वही अच्छा रहेगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए। और ये जो ऊपर ऊपर से है ना उसको मैं थोड़ा वो भी रहने दो, समझते नहीं है नहीं, पछी बीजा लाइन यहाँ साइड पर थी करवा में डिस्टर्ब करे એટલે મને તમારે હજુ માટી નાખવાની છે એટલે હા તે ઉપર થી પછી પાછું નાખીશ ને ઓકે એમ જો આ સર્કલ કરવા માં એમ ડિસ્ટર્બ થઈ એટલે તમારે માટી કાઢી જ કરવા છે। તો ફ્રેન્ડ્સ દેખીએ અભી એસે મસલા જા રહા હે તો એસે પૂરા પીસ કે ફિર થી અંદર ડાલના હે ऐसे। तो फ्रेंड्स अभी ये बीच में थोड़ी दूसरी लाइन बनाई जा रही है, इनको काफ़ी मज़ा आ रहा है ऐसा लग रहा है कि अभी अच्छे से धनिया होगा हमारा, धनिया फ्रेश धनिया खाना किसको नहीं पसंद। अभी हम यहाँ से हमारे खुद की बाड़ी से लेके आएंगे धनिया धनिया धनिया, अभी बोल नहीं सकते लास्ट टाइम आएगी हाँ लास्ट टाइम बोल के सो गए दुनिया ना ना होगा होगा इस बार। तो 7 बज गए और हम निकल गए हैं हमारे जिम के लिए। तो फ्रेंड्स आज तो हमने मस्त अच्छे से हमारा टाइम का यूज किया, बहुत अच्छा, थोड़ा जल्दी आ गए थे तो बाहर का हमारा वापस प्लांटेशन पे, हमें है ना थोड़े थोड़े टाइम पे ऐसे प्लांटेशन करने में मजा आता है, मजा आ जाता है, तब माइंड फ्रेश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। और जब वो ग्रो होता है जब देखते हैं ना खुद का ग्रो हुआ वो ऐसे फलते फूलते हुए तो मजा आ जाता है। तो आज तो बाहर का काम भी घर का काम भी और अभी खुद का काम भी सब अच्छे से टाइम पे हो रहा है। तो और भाजी मैंने वो जो बड़ी बड़ी थी ना वो निकाल के रखी, अभी देखते हैं उसका क्या करूँ मैं, कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा है भी नहीं, तो रोज़ नहीं कर देना काट, हाँ देखते हैं कैसे क्या करती हूँ देखती हूँ। तो अच्छा रहा। तो फ्रेंड्स आज तो हमारे गणपति बापा को भी जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि गणपति बापा को भी हमने मस्त अच्छे से चुनरी से रख दिया है ताकि धूप ना लगे, है ना, आज पूरा दिन अच्छे से मस्त वो धूप नहीं आई उनके ऊपर, तो भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे भी पार्किंग करते हैं और जॉब पर भी पार्क करते हैं ना वहाँ पर डायरेक्ट ही धूप आती ही है तो ये अच्छा रहता है। हाँ तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज खुद का जिम है या फिर पब्लिक जिम है। फ्रेंड्स आज जनक बहुत दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते दौड़ते उन लोगों उन्होंने वाह 155 कैलोरी बर्न कर ली है। चलिए तो आप अपना ये कीजिए और हम चले हमारे साइड, अभी चलेगा हमारा योगा सेशन। तो फ्रेंड्स घर आ गए और फ्रेश भी हो गए, जनक ने तो नहा भी लिया और मैं रेडी, हमारा दिया भी हो गया सब कुछ, पर आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, हमें सब कुछ करते करते 8:30 हो चुके हैं, अभी पता नहीं कब हम सब बंद करके जाएंगे सोने के लिए, पर कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है कभी कभी। और आज बहुत ही मस्त वाला पवन है बाहर, तो थोड़ा मज़ा आ गया बाहर चलते चलते आते सही में। आज कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट करा, आज मैंने थोड़ी 2-3 एक्सरसाइज ज़्यादा की, मेरे ट्रेनर ने मुझे सिखाई तो उन्होंने बोला है कि अब रोज़ वो एक एक अलग अलग टाइप की मुझे दिखाएंगे और बताएंगे कि मुझे कैसे करना है, तो मैं आपको भी मिलवा लेती हूँ मेरे ट्रेनर से। तो क्या है कि उनके पास बहुत नॉलेज है, वो बहुत ही ज़्यादा होशियार है और बहुत ही इंटेलिजेंट भी है, तो चलिए मिलवा ही लेती हूँ, घर के ही है तो ये तो ट्रेनर साहब खुद का भी ट्रेन कर रहे हैं और हमें भी ट्रेन कर रहे हैं।
बॉडी बनाने की है तो बॉडी बनाए के रहेंगे, तो खुद को भी करना है और हमें भी साथ में सिखा रहे हैं, तो क्या है फ्री के ट्रेनर है हमारे, तो हम ऐसे सब कुछ खुद का ही ढूंढ लेते हैं। हाँ बस, तो क्या है घर की खेती है तो फिर क्या करें, ऐसा है तो घर का ही ज्यादा पसंद, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ट्रेनिंग है ये मेरी, और ट्रेनर भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ट्रेनर को खिलाऊंगी तो मुझे भी ऑर्गेनिक ही नॉलेज मिलेगा ना फ्रेंड्स। हाँ, ऐसा है तो जैसे आपने मेरा शॉर्ट तो दिखा ही होगा, बकवास बातें तो मैं करती ही हूँ, ऐसे बकवास ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो आप वो फिक्र मत कीजिए, फ्री रहिए फ्रेंड्स एकदम बिंदास। क्या है कभी कभी है ना हम लोगों को आदत होती है कि हम लोग है ना कुछ, हाँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ऐसा कुछ होता है तो ठीक है हम अपने पास रखे, कुछ ऐसा होता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ हम नहीं शेयर कर सकते, ऐसा कुछ होता है, फालतू चीज़ें होती है ना जो चीज़ें नहीं करनी होती, वो चीज़ को मतलब एकदम बिंदास रहिए, खुले रहिए, जितना आप ओपन रहेंगे ना उतना आप ओपन से जी पाएंगे और बिंदास जी पाएंगे लाइफ को, ना ही कोई फिकर ना कोई, बस खुले से जिए अच्छे से शांति से, तो मस्त बस। चलिए बस ये इतना ही है अभी, क्या ही बोले आप समझ जाइए सब। तो फ्रेंड्स चलिए आज का दिन ख़त्म और कल है हॉलीडे सबका और हमें तो जाना है, तो सर तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल 4th of July, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस, तो कल मिलते हैं वापस, मतलब यूएसए में, यूएसए का कल इंडिपेंडेंस डे, यस यूएसए में कल हैप्पी वाला इंडिपेंडेंस डे है, तो यस कल मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए दिन के साथ, कुछ नई कंटेंट के साथ, एक्सरसाइज के साथ, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पूजन डायरीज। तो चलिए फ्रेंड्स तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। Our hearts beat to the city streets, we begin to feel